नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ दिव्यांग व मंदबुद्धि के व्यक्ति से भूमाफियों ने जबरन भूमि की रजिस्ट्री करा ली। जब परिजनों ने आपत्ति की तो कब्जा दिलाने के लिए पुलिस परिजन पर दबाव बना रही है, जिससे परेशान पीड़ित परिजन ग्रामीणों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। देवगांव तहसील के लवा खुर्द गांव निवासी प्यारे लाल ग्रामीणों के साथ भूमि अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे। इनका आरोप है कि पिता रामनाथ बहरे व मंदबुद्धि के हैं। गांव के ही राम के दर्शन उनके पिता को लेकर बाजार गए और नरसिंहपुर गांव निवासी शांति देवी को साजिश में करके उनके पिता के साथ भूमि का बैनामा करा लिया। क्रेता द्वारा इनके मंदबुद्धि का वादा उठाते हुए एक भी रुपये नहीं दिया गया। जब इसकी जानकारी हम सभी को हुई तो हमने आपत्ति डाली, जिससे भूमि को खारिज दाखिल रुकवा दिया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि अब पुलिस हम लोगों पर जबरन कब्जा दिलाने के लिए दबाव बना रही है। पीड़ित परिजनों ने एसपी से पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सर, हमारा खेत बिक गया है, जबरदस्ती हमारे पिताजी से रजिस्ट्री करा ली और जो है कि इनको एक भी पैसा नहीं दिया गया है। इस वजह से ये वो लोग हमें कह रहे हैं ज़मीन पे कब्जा करने के लिए, तो हम लोग बोले कि भाई हम ज़मीन पे कब्जा नहीं होने देंगे, हम नहीं जानते हैं। और यही हम लोग मारने पीटने की धमकी हमारे भाई साहब को दिए हुए। किस थाने का मामला है? देवगांव थाने पे अपील जी हुँ? जी जो लोग फर्जी तरीके से करवाए हैं जी है? जी, तो जो लोग फर्जी तरीके से करवाए हैं उसके लिए हम थाने पे गए तो वहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। वो लोग बोले कि रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए, वहाँ से जो भी होगा वहाँ से होगा। तो सर हमें पता नहीं था, तो हम लोग उस टाइम घर चले आए तो इनको वो लोग पता नहीं कहाँ मतलब धमकी दे के कैसे रोक रखे थे, जो भी है अगवा अगवा क्या है इनको कर रखे थे। उसके बाद ये कल आए हैं घर, कल 12 तारीख थी, कल 12 तारीख थी, कल 12 तारीख को ये घर आए हैं। यहाँ कप्तान साहब से मिली हैं आप? एसपी से मिली हैं? हाँ सर। क्या आश्वासन दिए? कार्रवाई के लिए सर जी। ठीक। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।